हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैसा तो आएगा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए फिर एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। उम्मीद करूँगा आपको स्ट्रैटेजी पसंद आएगी और आप अपना प्रॉफिट भी अर्न करेंगे इस स्ट्रैटेजी से। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे हर बार बताता हूँ कुछ वीडियोज़ के बारे में, जैसे ये वर्ल्ड बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, ये मैंने डाली हुई है, ये ज़रूर वॉच करना, ठीक है? बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये जॉब से आज़ादी मिल जाएगी। ये वीडियो ज़रूर वॉच करना, ये मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली, ये भी ज़रूर वॉच करना, ठीक है? और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर हम बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन देते रहते हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। तो स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये स्ट्रैटेजी कहीं पे भी किसी में भी वर्क करेगी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब में वर्क करती है, ठीक है? तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का प्लेटफॉर्म चार्ट ओपन करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? और जो आपको कैंडल स्टिक जो लगाना है वो लगाना है हैकिनेशी। कौन सा लगाना हैकिनेशी? उसमें आपको काम कैसे करना है? कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे आपने काम भी किया होगा कि ग्रीन ग्रीन आए तो आपको कॉल साइड ट्रेड लेनी है, रेड रेड आए तो आपको डाउन साइड ट्रेड लेनी है, पुट लेना है आपको, ठीक है? आप यही सीखा होगा, आप लोगों ने यही सीखा होगा। उसके बाद देखो बीच बीच में फॉल सिग्नल मिल जाते हैं, उसमें हमारा लॉस हो जाता है। ये देखो छोटे छोटे फॉल सिग्नल मिल रहे हैं, इनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? हमें पता लग जाए कि हाँ ये फॉल सिग्नल बन रहा है तो हम वहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है? अपना छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं जिससे हमारा लॉस ना हो। उसकी कंडीशन ये होगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो हमें जो रेड जो स्टेट जो हम पहले बाइक साइड की बात करते हैं, हमें काम कैसे करना है। जब भी ये रेड रेड बनते आ रही है, ऊपर से डाउन डाउन रेड बनती आ रही है, चाहे वो 2 कैंडल या 4 कैंडल या 3 कैंडल या 10 कैंडल, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें रेड रेड बनने के बाद जब कभी भी ऐसा कैंडल बनता है इसको अवॉइड करना है, हमें यहाँ पर बाय नहीं करना। हमें बाय कब करना है? हमें बाय करना है ऐसी कैंडल पर। देखो इसका विक देखो ऊपर बना हुआ है और ये पूरा यहाँ पर बुलिश है, ऐसी कैंडल पे हमें बाय करना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप इसे जरूर ध्यान से वॉच करें इस वीडियो को। हमें ऐसी ट्रेड चाहिए, हमें ऐसा कैंडल चाहिए, ये देखिए हमें ऐसी कैंडल चाहिए ग्रीन, जिसके नीचे विक ना हो। जैसे ये दिख रही है ना आपको, ये शेडो दिख रही है छोटी सी, ये नहीं होनी चाहिए। जूम करके देखो, ये देखो हमें सिर्फ ऐसा कैंडल चाहिए ग्रीन साइड बाय करने के लिए, वो अपसाइड बाय करने के लिए, ठीक है? ऐसा ग्रीन कैंडल ही चाहिए हमें, ठीक है? ये आपको समझ आ गया। अब हमें डाउन साइड कैसी कैंडल चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ग्रीन साइड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डाउन साइड की बात करेंगे। जैसे आपने ये देखा है ग्रीन कैंडल बन गया है, हमारा ऐसा बनने देना है, एक कैंडल बनने देना है, उसके बाद सेकंड कैंडल पे हमें बाय करना है। और तब तक बाय करना है जब तक ये अपना सेम ऐसी डायरेक्शन में जो सेम ऐसी कैंडल बनना ख़त्म ना कर दे। जैसे देखो यहाँ पर इसने बनना ख़त्म कर दिया है और उसके बाद हमें बनता है रेड, उसके बाद बनता है रेड। लेकिन आप इसको, ये कंडीशन है हमारी यहाँ पर कि इससे ऊपर तक ये कैंडल बनना चाहिए। जैसे ये कैंडल इसे नीचे बनाए तो हमें अभी यहाँ पर भी एग्जिट नहीं करना। अगर सेफ साइड काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो रेड कैंडल बनते ही, लेकिन रेड कैंडल भी ऐसा बनना चाहिए, ठीक है? रेड कैंडल भी ऐसा बनना चाहिए तब अब हमें एग्जिट होना है, ठीक है? और सेफ साइड करोगे तो बहुत अच्छी बात है, सेफ साइड ही काम करो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सेफ साइड काम करो, ठीक है? और उसके बाद हमें डाउन साइड कैसे काम करना है। जैसे भी ये देखो दो लाइन हमारी, दो कैंडल्स हमारी ग्रीन ग्रीन बन गई है, फिर सेकंड और थर्ड कैंडल जो हमारी बनी है रेड बनी है, उसके बाद इस कैंडल पे हमें बाय नहीं करना। इसने हमें दे दिया कि डायरेक्शन जो होनी है चेंज होने वाली है। देखो जैसे यहाँ पर इसने दिया था रेड, के बाद देखो प्रॉपर रेड ऐसे बनती आ रही थी, उसके बाद देखो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर, इसने ऑप्शन दे दिया हमें, पहले इसने सिग्नल दे दिया कि
डायरेक्शन चेंज होने वाली है अपसाइड के लिए, तो यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो ये जैसे ग्रीन कैंडल बन गया है। इसके बाद रेड कैंडल हमें ऐसा चाहिए, ऐसा जिसकी जो पूरी बॉडी हो ऐसी हो, ठीक है, और जो इसकी विक हो वो ऐसी हो। एक सेकेंड, ये देख सकते हो हमें रेड कैंडल ऐसा चाहिए। ठीक है, विग नीचे की साइड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे ही यहाँ पर ये चेंज होगा तो हमें यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। ठीक है, मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बता दिया डायरेक्शन चेंज होने वाली है, हमें ग्रीन कैंडल ऐसा ही चाहिए जिसकी शेडो नीचे ना हो। ठीक है, और रेड कैंडल ऐसा चाहिए जिसकी शेडो ऊपर ना हो, तब हमें बाय करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और जैसे ही इसने यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया, तब तक आपको अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तब तक आपको वेट करना है जैसे यहाँ पर ये ऐसी शेडो बन रही है कि यहाँ पर प्रॉपर एकदम डायरेक्शन चेंज का ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन चेंज हो गई है डाउन साइड के लिए, तब हमें एग्जिट होना है। अगर यहाँ पर रिस्क लेते रहोगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे, तो अगर यहाँ पर बिल्कुल सेफ साइड काम करना है तो आपको यहीं पर ही एग्जिट हो जाना है। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो इसको प्रॉपर बने दो। कभी कभी क्या होता है, एक कैंडल बनने के बाद दोबारा ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो दोबारा ऊपर चले जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी रेड कैंडल बनती आ रही थी, यहाँ पर इसने डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोल दिया कि यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट आने वाली है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो पहले ही इसने सिग्नल दे दिया हमें, इसने हमें पहले ही सिग्नल दे दिया कि डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बना, हमें सेकंड कैंडल पर बाय करना है। पहले ही कैंडल बनने देना है, उसके बाद सेकंड कैंडल पर बाय करना है, और तब तक बाय करना है जब तक ये प्रॉफिट में ना रहे। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर ये कैंडल बना, यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। सेम ये हमें सेम ये वाला कैंडल बना है, तो हमें यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। उसके बाद देखो ये फिर बना है, ये फिर बना है। ठीक है, हमें यहाँ पर एंट्री करनी है सेकंड कैंडल पे, लेकिन अभी सेकंड कैंडल क्या बन गया, रेड। तो हमें वेट करना है दोबारा चेंज होने का। तो यहाँ पर देख, हमें एंट्री करनी है, और यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना अच्छा मिल गया हमें प्रॉपर। लेकिन देखो यहाँ पर ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, इसके बाद ये कैंडल नहीं बना, रेड कैंडल नहीं बना, तो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं होंगे, तो हम दोबारा भी यहाँ पर ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो आपको सिर्फ यही देखना है। मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो वीडियो बनाने बड़ी पड़ी वॉल्यूम वीडियो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो डायरेक्शन चेंज हुई, इसने पहले ही बता दिया हमें कि यहाँ पर ग्रीन डायरेक्शन चेंज होने वाली है, अपसाइड मूवमेंट आने वाली है। तो यहाँ पर देखो हमें प्रॉपर एकदम प्रॉफिट मिल गया, कितना अच्छा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक कैंडल बना, हमने देखा है कि ये प्रॉपर इसकी हल्की सी विक है ऊपर, देखो ये देखो हल्की सी विक है, यहाँ पर नहीं निकले, हम यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पुट साइड की, सेल साइड की मूवमेंट बनाएंगे हम। ठीक है, सेल साइड की ट्रेड लेंगे और प्रॉपर ट्रेड करते रहेंगे। देख सकते हो आपको मेन क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, जब भी ये रेड से बनते बनते ऊपर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है आपको। ठीक है, इससे छोटा टाइम फ्रेम मत लगाना, इससे ऊपर लगा सकते हो, 15 मिनट का, 1 घंटे का लगा सकते हो, लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट सबसे अच्छे टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। तो मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और समझा देता हूँ इसी के अंदर ही, जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी ऊपर से जैसे ये रेड 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 बनती आ रही है, ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे ये डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड कैंडल ये ऐसी बननी चाहिए जिसके नीचे विग ना हो। ग्रीन कैंडल पे नीचे विग नहीं होनी चाहिए और रेड कैंडल के ऊपर विग नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये विग बनी, हमें यहाँ पर बाय नहीं करना, जैसे ये विग बनी हमें यहाँ पर बाय नहीं करना। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर साइडवेज मार्केट चले गए, तो यहाँ पर बाय नहीं करना, हमें बिल्कुल भी बाय नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट हुआ ये चीज़ है। ठीक है।
ये देखो पूरा साइडवेज मार्केट थी, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर काम करने का। यहाँ पर देखो जैसे ही इसने कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल पे हमने बाय किया है, छोटा 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 प्रॉफिट मिलता गया हमें। हैकेनएशी को एक अच्छे से यूज़ करोगे ना, एक बिगनर भी यूज़ करेगा बहुत अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इससे। किसी भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मार्केट खुद बोल देगी कि मैं ऊपर जाने वाली हूँ या नीचे जाने वाली हूँ। ठीक है, मार्केट प्रॉपर डाउन चल रही थी, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बन गया, विग ऊपर नीचे है इसके, यहाँ पर हमें दिख गया कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ग्रीन कैंडल ही बना तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर ये हमें कैंडल बना ग्रीन, जिसके नीचे विग नहीं है। दोबारा सुनो, ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके नीचे विग नहीं होना चाहिए, रेड कैंडल बनेगी तो उसके ऊपर विग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम सेकेंड कैंडल में बाय करेंगे और प्रॉफिट लेते चले जाएंगे, और जब तक लेंगे जब तक ये ऐसा कैंडल ना बने जिसके विग नहीं है रेड कैंडल, जब तक हम प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, यहाँ पर देखो सेकंड कैंडल पर हमने बाय किया, यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, यहाँ पर देख सकते हो ऐसा विग सेकंड कैंडल पर हमने यहाँ पर बाय किया फिर यहाँ पर प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर हमने बाई किया और यहाँ पर प्रॉफिट मिलता गया। ये देखो यहाँ पर डाउन गई थी मार्केट, डाउन गई मार्केट यहाँ से चल रही थी, यहाँ पर हमने बाई किया, यहाँ पर बाई करना था, छोटा सा प्रॉफिट हुआ, या फिर स्टॉप लॉस भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन चेंज हुई, हमें पुट साइड और कॉल साइड दोनों ट्रेड लेनी है, मार्केट में लाइव मार्केट में बैठे रहना और ट्रेड करते जानी है हमें, दो चार ट्रेड, 1,000 1,500 2,000 का प्रॉफिट निकलता है। आप मार्केट से आउट हो जाओ, नेक्स्ट डे ट्रेड करो फिर उसके बाद। ठीक है, ज़्यादा लालच करोगे, ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रेड मिल गई। ठीक है, तो आप बैक टेस्टिंग खुद भी कर सकते हैं एक बार। ठीक है, और मैं हर वीडियो में जैसे बोलता हूँ कि कम से कम 1 महीना बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप रियल मनी लगाओ, क्योंकि आपका जो पैसा है वो लूज ना हो। ठीक है, पहले आप बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद ही पैसा बनाओ। ठीक है, पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अच्छा सा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।